नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी। 24 घंटे में रिकॉर्ड 10,000 मरीज मिलने के बाद सरकार ने आधी रात को पूरे राजस्थान में 15 दिन का लॉकडाउन लगा दिया। 3 मई तक प्रदेश में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। आनन फानन में लिए फैसले से कई लोगों के जरूरी काम अटक गए, क्योंकि सरकार ने शनिवार और रविवार का वीकेंड लॉकडाउन किया था। बगैर समय दिए ही इतना लंबा लॉकडाउन लगाने से लोगों के सभी प्लान गड़बड़ा गए हैं। हालांकि जरूरी सेवाएं और जरूरी सामान की आपूर्ति होती रहेगी। नई गाइडलाइन के अनुसार खाने पीने का सामान, दूध डेयरी, किराना सामान, मंडियां, फल सब्जियां, डेयरी, पशु चारा से संबंधित रिटेल और होलसेल दुकानें 5 बजे तक खुलेंगी। इन्हें होम डिलीवरी करने का प्राथमिकता देनी होगी। विशेष परिस्थितियों में ही दुकान से बेच सकेंगे। फेरी लगवाकर 7 बजे तक ही फल सब्जी बेच सकेंगे। पेट्रोल पंप 8 बजे तक ही खुलेंगे। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी। राशन की सरकारी दुकानें 7 दिन खुलेंगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। कारखानों सभी तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम जारी रहेगा। गांव में मनरेगा के काम जारी रहेंगे। नरेगा श्रमिकों को बराबर रोजगार मिलेगा। बंद और रोक इन पर लागू। बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर, मॉल, सिनेमाघर, सभी धार्मिक स्थल, सभी शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग, लाइब्रेरी, सभी तरह के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, किसी भी तरह के मेला, जुलूस, आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार, इन पर लागू नहीं होंगी पाबंदियां। आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालय, जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम और वाम रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद और नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, बिजली, पेयजल, टेलीफोन, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा, केंद्र सरकार के आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और संस्थान खुले रहेंगे। इनके कर्मचारियों को आईडी कार्ड दिखाना होगा। बस स्टैंड, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने की पर आने जाने की अनुमति होगी। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के लिए पिछले 72 घंटे के अंदर कार्यवाही आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को अस्पताल आने जाने की छूट रहेगी। सभी सरकारी और निजी अस्पताल और लैब, उनसे जुड़े सभी मेडिकल, पैरामेडिकल और सभी तरफ से स्टाफ और सेवाओं को अनुमति। खाने पीने का सामान, किराने का सामान, मंडियां, फल सब्जियां, डेयरी और दूध, पशु चारा से संबंधित रिटेल और होलसेल दुकानें 7 बजे तक खुलेंगी। जहां तक संभव हो होम डिलीवरी की व्यवस्था पर जोर देने को कहा। सब्जियां, फलों को ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन के जरिए 7 बजे तक अनुमति होगी। 7 बजे बाद स्ट्रीट वेंडर्स को भी अनुमति नहीं होगी। अंतर्राज्य और राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग और अनलोडिंग, इनमें लगे कर्मचारी, नेशनल और स्टेट हाईवे के ढाबे और वाहन रिपेयर की दुकानें खुली रहेंगी। किसान केवल मंडी परिसर में आकर फसल बेचकर आ जा सकेंगे। मंडी से बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा। किसानों को आते वक्त माल का सत्यापन और जाते वक्त बिक्री रसीदें या बिल दिखाना अनिवार्य होगा। सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के हर दिन खुली रहेंगी। 45 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आने जाने की अनुमति होगी। आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। अखबार बांटने के लिए सुबह 4 से 8 बजे तक अनुमति होगी। मीडिया कर्मियों को आईडी कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति होगी। शादी समारोह की अनुमति होगी, लेकिन 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी। पहले से तय प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण और केबल सेवाएं, आईटी और आईटी संबंधित सेवाएं जारी रहेंगी। बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंक, एटीएम और बीमा कार्यालय खुले रहेंगे। बैंक बीमा कर्मियों को आईडी कार्ड साथ रखना होगा। भोजन सामग्री, मेडिकल उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का ई कॉमर्स के माध्यम से वितरण की अनुमति होगी।
प्रोसेस्ड फूड, मिठाई की दुकानें और रेस्टोरेंट को रात 8 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें में केवल टेक अवे की अनुमति। इंदिरा रसोई में भोजन बनाने और उसके वितरण का काम रात 8 बजे तक हो सकेगा। मनरेगा और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में मजदूरों को काम पर जाने की अनुमति। मनरेगा में काम जारी रहेंगे। पेट्रोल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस से संबंधित रिटेल और होलसेल आउटलेट की सेवाएं रात 8 बजे तक ही खुलने की अनुमति होगी। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं जारी रहेंगी। निजी सुरक्षा सेवाएं जारी रहेंगी। सभी उद्योग और निर्माण से संबंधित इकाइयों में काम करने की अनुमति होगी। फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों को आईडी कार्ड जारी करने को कहा है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए क्रंच न्यूज़।